इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसे कि इस वक्त की जरूरत है कि बहुत सारे फील्ड्स में कौम मुस्लिम को काम करने की जरूरत है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रहमान फाउंडेशन खिदमत खल्क का एक काम कर रहा है, मेडिकल है, एजुकेशन है, बेवा पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, अल्हम्दुलिल्लाह एक हॉस्पिटल भी शुरू किया है, ये भी एक सख्त ज़रूरत है। उसके साथ में और भी बहुत सारे शोबे हैं जिसमें कौम मुस्लिम को काम करने की ज़रूरत है, जिसमें से माशाल्लाह एक शदीद जो इस वक्त का तकाजा है वो मीडिया है। मीडिया के ज़रिए से सच को झूठ, झूठ को सच साबित करने की पूरी दुनिया की कोशिश चल रही है। इसमें कौम की तरफ से एक हक और बोलते ने बेबाक अंदाज में जो सच बात है कौम के तक, बल्कि वह इंसानियत तक पहुंचाने की ज़रूरत है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इकबाल भाई इत्तेहाद चैनल के ज़रिए से, इत्तेहाद न्यूज़ के ज़रिए से माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं। तो रहमान फाउंडेशन की टीम इसको महसूस करके और इनके जो तकाजे आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया एक ऐसा फील्ड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट कैमरेज है, इनकी सख्त ज़रूरत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये हमारे इकबाल भाई और उनकी टीम माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो रहमान फाउंडेशन इनको AC90 कैमरा जो है इनको रहमान फाउंडेशन स्पॉन्सर कर रहा है, ताकि ये जो काम कर रहे हैं जो हम लोग नहीं कर सकते हैं माशाल्लाह इकबाल भाई कर रहे हैं, और जो जो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं हमारी कोशिश ये रहेगी इनको कम से कम आखिरी दर्जे में दुआओं के जरिए से उनको सपोर्ट करें। तो ये कैमरा रहमान फाउंडेशन से इत्तेहाद न्यूज़ इकबाल भाई को स्पॉन्सर कर रहे हैं, और हमारी दुआ है कि हक की आवाज़ सच बात जो है इंसानियत तक जैसे अब तक पहुँचाते आए, इसको अल्लाह मज़ीद आगे बढ़ा के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से लेके अब पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया तक इकबाल भाई की आवाज़ पहुँचे बेबाक अंदाज में। बस हमारी पूरी टीम की तरफ से इकबाल भाई को खुशामद है और नेक दुआएं हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करे, और एक पूरे कौम और जो हमारे दानिश्वर तबका है उनसे अपील है खुद मेरे जात से और हमारे रहमान फाउंडेशन की टीम से, ये जो फील्ड है मीडिया का इस वक्त की सख्त ज़रूरत की फील्ड है। हमारी दरख्वास्त आप लोगों से है कि जैसे भी आपका ताउन हो सकता है, चाहे इकबाल भाई हो और भी हमारे कई साफ़ी है जो माशाल्लाह काम कर रहे हैं, उनको स्पॉन्सर करें, उनको मदद करें, ताकि ये ऐसे अपनी आवाज़ बन के कौम और मुस्लिम की बल्कि इंसानियत की आवाज़ बन के पूरी दुनिया के सामने खड़े हो जाए, ताकि हमको और मीडिया जो बातिल मीडिया है, हम लोग शिकायत करते हैं कि ये लोग गलत बताते हैं, अगेंस्ट हमारी कम्युनिटी बताते हैं, अब हम शिकायत बंद करके हम ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू कर दें ताकि ये हमारे कौम की और इंसानियत की आवाज़ बन के खड़े हो जाए। और आखिरी एक गुजारिश है, कम से कम आखिरी दर्जे में दुआओं के ज़रिए से तो हम मदद कर ही सकते हैं, तो हम हमारे फैमिलीज में हमारे बच्चों को कह दें कि भाई जो जो अहबाब जो जो फील्ड में काम कर रहे हैं माशाल्लाह नौजवान भी कर रहे हैं हमारे इकबाल भाई, उनके बच्चे हैं, उनके सालिया वगैरह भी, उनके लिए दुआ करते रहे कि भाई अल्लाह उनकी हिफाजत भी करे और मज़ीद इनको तरक्की दे। मैं सबसे पहले रहमान फाउंडेशन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस आज के दौर में, जबकि मीडिया का है, प्रोपोगंडा का दौर है कि कहानियाँ बनाई जाती हैं किसी को बदनाम करने के लिए, गलत तरीके से पेश करने के, खास कर एक मुस्लिम समाज को, मुस्लिम माशरे को, लेकिन रहमान फाउंडेशन ने इस बात को समझा। हमने से पहले भी मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद मनी साहब से भी हमारी गुफ्तगू हुई थी, तो उन्होंने भी जो है मीडिया के ताल्लुक से आगे बढ़ने की बात की थी, लिहाजा इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज जो कैमरा दिया हुआ है रहमान फाउंडेशन ने, ये एक वाकई क्या कहते हैं उसे कि एक बेहतरीन इकदाम है कि कम से कम कोई तो है जो मीडिया की इस अहमियत को समझ रहा है। हम वाकई दिल की अमीर गहराई से रहमान फाउंडेशन का और हनीफ सिद्दीकी साहब का और हमारे आरिफ भाई का सभी का मैं दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। जजाकल्लाह खैर।